हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गन डायोड। तो आज का हमारा टॉपिक है गन डायोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने गन डायोड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन डायोड का वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, गन डायोड का वर्क होता है, ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्या करता है गन डायोड? गन डायोड एक माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। गन डायोड इज ए ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। गन डायोड को हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस भी बोलते हैं, TED। TED का मतलब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। गन डायोड डू नॉट कंटेन एनी PN जंक्शन डायोड। इसमें कोई भी PN जंक्शन डायोड नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें PN जंक्शन डायोड कोई भी नहीं होता। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एन टाइप मटेरियल से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि गन डायोड डू नॉट कंटेन एनी PN जंक्शन डायोड। इसमें कोई भी PN जंक्शन डायोड नहीं होता, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल से मिलके बना होता है केवल। इसमें पी टाइप मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होती है एक, या मैं बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पर बेस्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारा करंट डिक्रीज होने लगता है एक पॉइंट के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। यही होता है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो एक पॉइंट के बाद हमारी करंट डिक्रीज़ होने लगती है, उसके ही हम नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब से हमारी करंट डिक्रीज़ होने लगती है, जिस पॉइंट से हमारी करंट डिक्रीज़ होने लगती है, उसके बाद हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ यूज एज ए लो पावर ऑसिलेटर टू जनरेट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। ये एक ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जनरेट करता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को। इट कंसिस्ट ओनली एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केवल एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। इसमें कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज नहीं किया गया। इट इज मेड बाय गैलियम आर्सेनाइड। तो ये गैलियम आर्सेनाइड से मिलकर के बना होता है, या हम इसके द्वारा इसको बनाते हैं। गन डायोड हमारा गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा बनाया जाता है। इट जनरेट फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 5 GHz टू 35 GHz। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है, जो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, उसकी रेंज होती है 5 GHz से 35 GHz, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आप सिंबल ऑफ गन डायोड। अब मैं आपको बताऊंगा कि गन डायोड का सिंबल कैसे होता है। आप इसको देख पा रहे होगे, गन डायोड का सिंबल होता है ये। तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसी ड्रॉ करके आना है। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, मैंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, N+ का मतलब होता है कि हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर की या एन टाइप मटेरियल की यहाँ पे हाईली डोपिंग की हुई है, हाईली डोप्ड किया हुआ है। और ये N, यहाँ पे P, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बना करके आना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं मेटल कंटेंट, ठीक है फ्रेंड्स, या हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट, मेटल कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, जो ये यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख पा रहे होंगे। और जो ये बीच में होती है, ये होती है एक्टिव लेयर, इसको बोलते हैं हम एक्टिव लेयर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, गन इफेक्ट को ही हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये पढ़ करके समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, गन इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर में या गन डायोड में, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज होने लगता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि हमारा करंट फिर कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है एक पॉइंट के बाद, और फिर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करें, अपनी वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, तो हमारा वोल्टेज क्या होता है वहाँ पे, जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा करंट वहाँ पे फ्लक्चुएट करने लगता है, यानी कि हमारा करंट कभी ज़्यादा होएगा, कभी कम होएगा। तो यही होता है हमारा गन इफेक्ट। और जब हमारा करंट फ्लक्चुएट होने लगता है, तो
वहाँ पे हमारा जो ये गन डायोड है वहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने लगता है। अब मैं आपको इसको पढ़ करके बताता हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ करंट व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसका मतलब हो गया हमारा करंट फ्लक्चुएट करने लगता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ करंट यानी कि हमारा करंट फ्लक्चुएशन करने लगता है, कब करता है, व्हेन द वोल्टेज अप्लाई, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं टू ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में, या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ गन डायोड में, एक्सीड्स ए क्रिटिकल वैल्यू विद द रिजल्ट दैट माइक्रोवेव पावर इज जनरेट्स, यानी कि एक वैल्यू के बाद वो अपनी माइक्रोवेव को जनरेट करने लगता है, जो उसकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है उसको जनरेट करने लगता है। तो यही होता है फ्रेंड्स गन इफेक्ट, और गन इफेक्ट को ही बोलते हैं हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गन डायोड, अब आपके अच्छे से समझ आएगा फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए इधर है ये करंट आई, आई है यहाँ पे करंट इधर, और इधर है वोल्टेज, वोल्टेज इधर, करंट इधर। तो फ्रेंड्स जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, इधर हमारी वोल्टेज है ना, मैंने वोल्टेज इंक्रीज की तो हमारा करंट भी साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पीक पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा करंट डिक्रीज होने लगता है, जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा, वोल्टेज की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट डिक्रीज होने लगेगा, इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसी के अंदर हमारा ये क्या वर्क करने लगता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया गन इफेक्ट। गन इफेक्ट कैसे, क्योंकि हमारा करंट क्या करने लगा, फ्लक्चुएट करने लगा, चेंज होने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक पॉइंट ऐसा आता है उसके बाद, जो ये पॉइंट देख रहे हो आप, वैले पॉइंट, या हम इसको वैली पॉइंट भी बोलते हैं, वैली पॉइंट। एक पॉइंट फिर ऐसा आता है अगर हम उससे भी ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसके बाद फिर से हमारा करंट इंक्रीज होने लगता है। तो हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, करंट की चेंजिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यही वर्क होता है हमारा गन डायोड का। और जो हमारा ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पीक पॉइंट, और इधर जो हमारी करंट आई इस पीक पॉइंट तक उसको बोलेंगे हम पीक करंट, और जो हमारी वोल्टेज होगी इसको बोलेंगे हम पीक वोल्टेज, और जो हमारा ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम वैली पॉइंट, फिर जो हमारा यहाँ पे इधर करंट है इसको बोलेंगे हम वैली करंट, क्योंकि ये वैली पॉइंट तक पे है ना, वैली पॉइंट है, तो इधर बोलेंगे हम जो ये यहाँ पे करंट होगी इसको बोलेंगे हम वैली करंट, और ऐसे ही हम इसको बोलेंगे वैली वोल्टेज। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।